खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है, कल देर रात यूपी के कन्नौज में बस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी और अब इस हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अगर उनके राज में बना फायर स्टेशन बंद नहीं होता तो मुसाफिरों की जान बच सकती थी। फायर स्टेशन बंद ना कराते तो जान बच जाती। ये दर्दनाक हादसा हुआ था उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। कल एसपी राज में बना फायर स्टेशन बंद कर दिया गया, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। कन्नौज के अग्निकांड में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना। लोगों की जान बच भी सकती थी अगर भाजपा सरकार संकीर्ण राजनीतिक सोच की वजह से सपा काल में बने फायर स्टेशन को बंद नहीं करवाती। तो सीधा सीधा आरोप बीजेपी सरकार पर, जो घटनास्थल से केवल 10 मिनट की दूरी पर बना था। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है इस ट्वीट के जरिए। अब आपको बताते हैं कैसे हुआ था हादसा जिसने 20 लोगों की जान ले ली। कन्नौज में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद ट्रक और बस में भीषण आग लग गई। आग की लपटों में पूरी बस जल गई। आग की भीषण लपटें तस्वीरों में साफ साफ देखी जा सकती है। आग इतनी भीषण थी कि दूर से भी जलती हुई बस साफ साफ नजर आ रही है। जो लोग बस के पास खड़े थे उन्होंने जलती हुई बस का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आग के पास खड़े लोग बस के पास नहीं जाने की हिदायत देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हादसा कन्नौज में घिलोई गांव के पास हुआ, जब फरुखाबाद से जयपुर जा रही डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे के फौरन बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई, ट्रक भी आग के गोले की तरह चलने लगा। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे की जगह पर कन्नौज के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक अर्चना पांडे भी मौके पर पहुंची। बस जयपुर जा रही थी और इसमें गुरसहायगंज से 25 लोग चढ़े थे, 3 लोग स्टाफ के थे और 17 लोग छिबरामऊ से चढ़े थे। जो लोग बाहर निकल के आ पाए सकुशल, उसमें से 21 लोग यहाँ सौसैया हॉस्पिटल में आए थे, जिसमें से 13 लोगों को मेडिकल कॉलेज तिरवा भी रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों, जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपये सहायता की देने की भी निर्णय लिया है। जिलाधिकारी से मैंने इस पूरी घटना की जानकारी मांगी है और वे तत्काल इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बना करके दें। और अब इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है।